हिंदी फिल्म जगत के दिग्गज अदाकारा मीनू मुमताज का 89 वर्ष की उम्र में कनाडा में कुछ देर पहले निधन हो गया। उनके भाई अनवर अली ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने फिल्म बिरादरी, प्रेस, मीडिया, प्रशंसकों, दोस्तों को मीनू का प्यार निछावर करने के लिए आभार जताया है। मीनू मुमताज बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार और कॉमेडियन महमूद की बहन थी। 26 अप्रैल 1942 को मीनू का जन्म हुआ था। उन्होंने बचपन से ही डांस की ट्रेनिंग ली थी। महमूद का पूरा परिवार ही फिल्मों से जुड़ा था, ऐसे में मीनू भी फिल्मों में आ गई थी। उन्हें देविका रानी ने फिल्मों में ब्रेक दिया था। देविका रानी ने मीनू को बॉम्बे टाकीज में बतौर डांसर रख लिया था। मीनू ने बॉलीवुड में फिल्म घर घर में दिवाली से डेब्यू किया था। ये फिल्म साल 1955 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने गांव में रहने वाली एक नृतिका का किरदार निभाया था। हालांकि इस फिल्म से मीनू को खास सफलता नहीं मिली। फिल्म सखी हातिम में उन्हें असली पहचान मिली। इसमें उन्होंने जलपरी का किरदार निभाया था। साल 1958 में आई फिल्म हावड़ा ब्रिज में सगे भाई महमूद के साथ उन्होंने पर्दे पर रोमांस किया था। पर्दे पर भाई बहन के रोमांस को देखकर दर्शक काफी भड़क गए थे और उनकी काफी आलोचना भी हुई थी। मीनू की जोड़ी सबसे ज्यादा कॉमेडियन जॉनी वॉकर के साथ जमी थी। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया था। मीनू ने पर्दे पर कॉमेडी की और साथ ही साइड रोल भी खूब सुर्खियां बटोरी। साल 1963 में उन्होंने डायरेक्टर सैयद अली अकबर से शादी की थी। मीनू मुमताज की तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें ट्यूमर है, लेकिन उनका ऑपरेशन हुआ तो वो ठीक हो गई थी। इसके बाद वो कनाडा में रहने लगी थी, लेकिन आज सुबह शनिवार को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई।